24 घंटे में दो मर्डर, ये कैसा इश्क पार्क में बुलाकर उतारा मौत के घाट। शादी से इनकार तो ले ली जान। दिल्ली को क्राइम कैपिटल कहा जाए तो शायद ये गलत ना हो, क्योंकि जिस तरह दिल्ली में एक के बाद एक मर्डर और रेप की घटनाएं सामने आ रही हैं, वो दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा पर सवालिया निशान खड़ी कर रही है। दरअसल दक्षिणी दिल्ली के औरोबिंदो कॉलेज के पास एक लड़की ने एक लड़की पर रॉड से हमला कर उसकी हत्या कर दी। हत्या की घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी लड़का मौके से फरार होने में सफल रहा। लड़की की हत्या के बाद से क्षेत्र में हड़कंप की स्थिति है। मृतका कमला नेहरू कॉलेज की छात्रा थी। बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में 24 घंटे के अंदर ये दूसरी हत्या है। बीती रात दक्षिणी पश्चिम दिल्ली के डाबरी इलाके में एक युवक ने महिला की गोली मारकर हत्या कर दी थी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक औरोबिंदो कॉलेज के पास लड़की के शव के पास एक लोहे की रॉड पड़ी मिली है। लड़की की उम्र 25 साल है। हत्या की जांच हुई शुरू। सूचना मिलने के तत्काल बाद लोकल थाना पुलिस और अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन शुरू कर दी। पुलिस को विजय मंडल पार्क में एक बेंच के नीचे मृतका का शव मिला। मौके पर मृतक लड़की के सिर से खून बह रहा था और सिर के आसपास खून पड़ा हुआ था। लड़की के शव के पास से पुलिस के लोहे की रॉड भी मिली है। पुलिस ने लड़की के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इससे पहले बीती रात दक्षिण पश्चिम दिल्ली के डाबड़ी इलाके में 42 वर्षीय रेणु नाम की महिला की उसके घर के पास 30 वर्षीय युवक आशीष ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। आशीष और रेणु एक दूसरे को पहले से जानते थे। दोनों कुछ साल पहले एक ही जिम में जाते थे। रेणु गोल के हमले के बाद पास के अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। महिलाओं के लिए दिल्ली अनसेफ। दिल्ली में 24 घंटे के अंदर दो दो महिलाओं की हत्या के बाद DCW की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने कहा है कि दिल्ली देश की राजधानी है और बहुत ज्यादा अनसेफ है। केंद्र सरकार को दिल्ली पुलिस की जवाबदेही तय करनी चाहिए। स्वाति मालीवाल ने कहा कि दिल्ली महिला आयोग पुलिस नोटिस जारी करेगा। दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार को एक मीटिंग भी बुलानी चाहिए।